चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, ये चाय, चाय के साथ पेपर। आज मेरा किचन क्लीनिंग का अभियान शुरू हो गया। आप भी करिए अपना अपना किचन मेरे को देख के। ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा क्योंकि हम ना जिसको देखते हैं उसको ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं कि उनका घर भी साफ़ हो गया हम भी करेंगे, है कि नहीं। यह हमारी लेडीज़ का मतलब फितरत में है। तो मैं भी साफ़ कर रही हूँ, आप भी अपना अपना किचन को साफ करिए। घर को जितना भी हम लोग नीट एंड क्लीन रखेंगे उतनी ही अच्छी है। और किचन को तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग करना चाहिए क्योंकि हम लोग वहाँ पर खाना बनाते हैं तो जर्म फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ना बहुत दिन हो गया, शायद एक महीना हो गया। मैं महीना में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ बट ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं एक महीना हो गया शायद तो क्लीनिंग नहीं करी थी। आज फाइनली टाइम निकाल ली। देखो कितना सारा चूहा ना बहुत बर्बाद करता है यहाँ पर। चूहा का जो छोटे छोटे वो ना सब टॉयलेट करते हैं वहाँ पर, तो वो सब पड़ा था। मैं अच्छे से पूरा झाड़ झूड़ दूँगी और झाड़ के फिर डिब्बा को बढ़िया से पूरा क्लीनिंग करके फिर आराम से बिछा दूँगी। तो कितना अच्छा लगेगा, देखो कितना सारा गंदा मतलब निकल रहा है। वो जो पेपर बिछाए थे ना चार्ट पेपर, वहाँ उसको भी ना सारे काट दिया है। देखो कितना बदमाश चूहा है, इतना परेशान कर रहा है। देखो कोई कोई पेपर अच्छा है और किस किस को पूरा काट दिया। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आज से तो लग गया लॉकडाउन, तो मेरे को ये पेपर अभी नहीं मिलेगा। तो जो अच्छा है उसको मैं रीयूज़ कर लूँगी और जो अच्छा नहीं है तो फिर उसकी जगह में ना जो न्यूज़पेपर आता है ना उसको भी बिछा दूँगी, कोई बात नहीं। बस बढ़िया से झाड़ू लगा के उसमें फिर अरेंज कर लूँगी, हो गया मेरे किचन पूरा चकाचक। मैं ना जितना भी क्लीनिंग का काम है ना सुबह का टाइम रखती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि एक बार ना सुबह पूरा क्लीनिंग कर दो पूरा, उसके बाद जाके नहा धो के पूरा क्लीन हो जाओ तो तभी अच्छा लगता है। और सुबह के अभी क्या ना सोना सोई है तो सुबह सुबह इतना परेशान भी नहीं करेगी, इसलिए मैं सुबह का टाइम हमेशा कोई भी क्लीनिंग करती हूँ ना सुबह का टाइम को चूज़ करती हूँ। मतलब अच्छा है, देखो कितना डब्बा पूरा क्लीन हो गया, ये वाइप से मैं कोई भी गीला कपड़ा से साफ़ नहीं करती। और जिस दिन डिब्बा का सारा सामान ख़त्म हो जाता तो उस दिन मैं वॉश कर लेती हूँ पूरा। और यहाँ पर क्लीनिंग मेरी हो गई है और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये करेला, आलू और दो ठो परवल मिला के इस टाइप का ना सिंपल सा भाजी बनाते हम लोग, बहुत खाते हैं हमारे ओडिशा के लोग, बहुत खाते हैं। ये डोसा के साथ अच्छा लगता है, रोटी पराठा सबके साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं रोटी ऑलरेडी बना ली हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैं बात लेकर आके कंघी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइरोजी लाइफ। मैं हूँ रोजी, आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल साइरोजी लाइफ में। कैसे है आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 10:30 हो रहा है। अब आज ना मैं सैटरडे है, ठीक है। तो आज सुबह उठ के ना मैं बहुत सारा क्लीनिंग करी किचन का, तो बहुत दिन से पेंडिंग था, काम नहीं हो पा रहा था। तो अभी क्या ना लॉकडाउन चल रहा है तो हस्बैंड घर में है तो ब्रेकफास्ट लेट में बनेगा तो चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सबसे पहले ना किचन को क्लीनिंग करी उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाई ना आपके साथ अच्छी चीज़ शेयर करूँगी। मेरे लिए ना कल हस्बैंड ना जैसे हमारे लॉकडाउन चल रहा है तो उसके साथ में ना वेजिटेबल्स लाए थे, घर में जो राशन है उसके हिसाब से लाए थे। क्यों इस बार ना पूरा लॉकडाउन कोई भी सब जैसे खुला रहता ना, कोई भी खुला नहीं है, सब कुछ वेजिटेबल्स वगैरह राशन की दुकान सब बंद है। तो इसलिए पहले से लाए थे ना, रखना पड़ता है कभी कभार जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो उसके साथ साथ में ना और एक अच्छी चीज़ लाए थे मेरे लिए गिफ्ट, मतलब मेरे को ना बहुत दिन से वो ज़रूरत है, मतलब यही समर में खास करके ज़रूरत होता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सुंदर चीज़ है, चलो दे दिखाती हूँ क्या है, ठीक है। चलो अगर पसंद आएगा तो ब्लॉग प्लीज़ लाइक करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब टू साइरोजी लाइफ। आज मैं देखो कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि घर में ना प्रॉपर लाइट नहीं आता। तो यहाँ पर ना मैं घर में जो पीछे की एरिया होता है ना वहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ आज ब्लॉग, मतलब ना क्लियर दिख रहा है यहाँ से। देखो ये किचन है और किचन के बाजू में मैं खड़ी हूँ, मतलब ये गेट के पास में खड़ी हूँ, ठीक है। तो चलो देखो ये मेरा गिफ्ट है, कैसा लगा?
ये आप लोग जो देखिए हंसियों का मतलब ये क्या गिफ्ट है, देखो कितना सुंदर चीज है, ये हर घर में समर में होना चाहिए। देखो कितना सुंदर है, ये है मटका, देसी फ्रिज, ये हमारा देसी फ्रिज है। देखो ये एक्चुअली कल लाए थे, मैं उसको वॉश करके, एक दिन हो गया पूरा पानी भर के नाइट में रखी थी, अभी उसको वॉश करके थोड़ा सा मैं टिक्का लगाई थी। कहाँ गया टिक्का? अच्छा इधर थोड़ा सा टीका लगाई थी, मुझे अच्छा लगा, मतलब इसी घर में हमारा फ्रिज आता है ना तो पूजा होता है, ये तो हमारा फ्रिज है देसी फ्रिज, तो इसको भी मैं टीका लगा के अभी पूजा करी थी थोड़ा सा। ये है प्यारा चीज, इस तरह हम लोग जब गांव में थे ना, गांव में पानी ऐसे ऐसे लाते थे बोर से, है ना? नहीं है? नहीं, नहीं क्या, चलो पानी लेने के लिए जाएंगे गाँव, चलो 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 चलो, चलो। नहीं जाना है, चलो रखो इसको। एक्चुअली कहाँ रखेंगे वही मतलब टेंशन है, कहीं भी रखेंगे ना नीचे तो समय ले कि कुछ भी चीज़ ना उसको पटक देगी तो टूट जाएगा, उसको रखेंगे अभी पानी करेंगे। और यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं कटहल बना रही हूँ, कटहल और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करी ना, ये कटहल और आलू को थोड़ा सा एक सीटी देके बॉईल कर दी, तो अगर बॉईल नहीं करोगे तो कटहल ना अच्छे से नहीं पकता है। तो बॉईल करके यहाँ पर मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा, इसमें ना ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मेरे फ्राई हो गया है, अभी मैं इसको निकालूंगी। ये रेसिपी कुछ मतलब डिटेल से मैं शेयर नहीं करी हूँ, ये तो सबको ही बनाते हैं, मैं बहुत बार शेयर करी हूँ बट थोड़ा बहुत दिखा दूँगी आपको। बहुत ये जो कटहल की सब्ज़ी है ना हमारे घर में सबको पसंद है, बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो कटहल की सब्ज़ी है ना मैं मस्टर्ड ऑयल में सरसों के तेल में बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि कटहल थोड़ा सा नॉनवेज टाइप का लगता है ना, तो जैसे तेल हमारा गर्म हो गया वहाँ पर तेज़पत्ता, सूखा मिर्च, दालचीनी, जावित्री, इलायची, सब जितना भी खड़ा मसाला सब कुछ डाल के फिर ओनियन डाल के अच्छे से फ्राई करें। उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से कलर के लिए यहाँ पर मैं हल्दी डाली, और उसके बाद जैसे प्याज थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे ना, ये जो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट रखी है ना इसको मैं ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो भी हमारा सूखा मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला सब कुछ है, जितना भी मसाला है सब कुछ डाल के अच्छे से मसाले को फ्राई करेंगे। फ्राई करके तो जो फ्राई करके रखे हैं ना कटहल आलू उसको डाल देंगे, हो गया हमारा सब्ज़ी रेडी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी देखो रो रो के जैसे पूरा आंखों कितना सूजन आ गया, मतलब ऐसा है ना मैं लंच बना रही थी ना तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ना दांत का जो दर्द है ना पूरा लास्ट वाला दांत उसमें ना दर्द हो रहा है, अभी दो दिन पहले मतलब हो रहा है, फिर ना मैं लंग फंग खाती तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अचानक से मैं सब्जी बना रही थी ना फिर दांत में ना दर्द उठा। आज हम लोग बस एक ही सब्जी में लंच किए, मैं तो ठीक से खाना भी नहीं खाई हूँ, एक ही सब्जी फिर जाके ना आराम से थोड़ा सा लेटी, और इतना जोर से रोना आया ना प्रांत को, देखो कितना सारा मोटा मोटा हो गया। अभी मैं उठी, उठ के थोड़ा सा चाय पानी हो गया, फिर ना थोड़ा सा पनीर बचा था और बॉईल करके ना आलू भी था फ्रिज में, बोली थोड़ा सा स्नैक्स बना दू। तो ये ना ये जो बेसन है मैं थोड़ा सा रोस्ट करके रखी हूँ, अभी रोस्ट कर रही थी। ओके पनीर आलू का जो कबाब बनाएंगे। ओके तो चलिए, पता नहीं चलता मतलब कब क्या दर्द मतलब उठ जाता है, दांतों का दर्द ना इतना भयानक होता है सहन नहीं होता है।
इच्छा होते कोई भी पत्थर पत्थर मिले ना उसको चबा के पूरा दांत दर्द पूरा ठीक कर दो ऐसा लगता है। एक कबाब में थोड़ा सा बेसन डालेंगे, इसको ना रोस्ट करने से क्या होता है ना उसका जो कच्चापन है ना वो चला जाता है आराम से। यहाँ पर ये आलू को भी ग्रेट कर लेंगे। ये ग्रेट हो गया है, अभी उसमें ना बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए अच्छे से। यह जिंजर और जो एक ग्रीन चिली उसको थोड़ा सा कूट के रखी हो, और ये धनिया पत्ता। ये सॉल्ट टेस्ट के अनुसार सॉल्ट। थोड़ा सा उसमें रेड चिली डालेंगे। रोस्टेड जीरा पाउडर, आप चाहो तो मसाला कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। यह चाट मसाला थोड़ा सा, ये गरम मसाला चाहो तो आप डाल सकते हो या आप नहीं डाल सकते हो। इसको मिक्स कर लेंगे, हो गया। यहाँ पर इसको और भी चटपटा बनाने के लिए एक सीक्रेट डालेंगे चीज, ये है ग्रीन चटनी। ये ऑप्शनल है, ये मेरी स्टाइल है, आप चाहो तो डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या ना चटपटापन आ जाएगा उसमें, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास स्टिक है तो स्टिक से बनाओगे, या स्टिक नहीं है तो हाथ से ऐसे रोल करके कोई भी शेप आराम से आप दे सकते हो। Thank you.
हो गया हमारा कबाब रेडी। आप चाहो तो उसको डीप फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा देके ना सेलो फ्राई करी हूँ, ज्यादा ऑयल की जरूरत भी नहीं है उसमें। रेडी। नांडी मुंडी, नांडू मुंडू, हाय हाय, देखो देखो उधर, हाय करो, ले आपके लिए छोटा सा बनाया, ट्राई करो, कैसा लग रहा है? लीजिए आप लोग भी टेस्ट करिए। ये तो कुछ भी नहीं खा ले। कैसा लगा बताओ?